बस बेटा मुझे तेरी शादी की फिक्र है, तेरी जल्दी से शादी कर दूं तो फिर मैं उम्रे को हो ही जाऊँ। पापा आप कैसी बातें करते हो? अरे पापा आप मेरी शादी की फिक्र क्यों कर रहे हो? आप उम्रा को जाइए, मेरी शादी तो होती रहेगी। पापा। अरे बेटा आओ, रुक क्यों गई? आओ बेटा, खाला की भांजी आ जा खाला के पास। क्या हुआ बेटा, तू क्यों रो रही है? पापा आपके दामाद ने मुझे घर से निकाल दिया और डिवोर्स की धमकी दी है मुझे। क्या, लेकिन क्यों? अलीशा बहुत अच्छा किया तुमने जो तुम रहने आ गई यहाँ पे। हाँ यार बाजी, तेरी याद आ रही थी ना, मैं इसीलिए आ गई। अब घर में वैसे कोई है नहीं, भाई दिल्ली में है और अम्मी पापा हैं, तो मैं अकेले क्या करती। और कितने दिन की छुट्टी पड़ी है? हाँ बाजी, मेरे कॉलेज की छुट्टी पड़ी तो मैंने सोचा कुछ दिन बाजी के ही रह आऊं। बहुत अच्छा करा अलीशा तुमने। चल अच्छा, मैं तेरे लिए नाश्ता लेके आती हूँ। चलो ठीक है। इसको लगता है सेल खराब हो गया, बाजी को आने तो उनसे कहूंगी इसका सेल चेंज करा दो। क्या बदतमीजी है ये? ये तो हमारा इम्प्रेस करने का तरीका था, क्यों अच्छा नहीं लगा? बहुत बड़ा जाहिल है। जाहिल नहीं मैडम, आशिक हूँ आशिक। भाई मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहो क्या बात है? अगर मैं तुमसे कोई चीज मांगू तो मना तो नहीं करोगे? मैंने आज तक तुझे किसी चीज को मना किया है? हाँ मुझे पता है तुझे आईफोन ही चाहिए होगा, ये ले पकड़ा आईफोन। आईफोन तो नहीं चाहिए था, चलो अब दे दिया। आईफोन के साथ सेल्फी लेने वाली और चाहिए। साफ साफ बता तू कहना क्या चाहता है। देखो भाई मुझे घुमा फिरा के बात करना नहीं आता है, मुझे तुम्हारी साली पसंद आ गई है, मेरी उससे शादी करा दो। बस इतनी सी बात, समझ तेरा काम हो गया। चलो मुझे पार्टी के लिए पैसे दे दो। अच्छा तो ये ले। सभी दे दो, क्या करोगे तुम पैसे का? बाजी वो तुम्हारा देवर फैजान है। क्या हुआ अलीशा? वो बोला क्या बात मिल रही है? ज्यादा इतरा मत, होने वाली बीवी है तू मेरी। क्या? हाँ क्या इस बिगड़ेल की इतनी हिम्मत? अलीशा मेरी बहन, तू एक काम कर, तू अभी के अभी घर चली जा। ठीक है बाजी, मैं अपना सामान पैक करती हूँ। अरे विक्की आया फैजान आया। हाथ तो नोटी नोटे लगा गड्डी, चल ये ले। हाँ तो बिक्की कितने की खेलोगे? जितने की तेरा दिल चाहे उतने की खेल ले। चल 50,000 की खेल ले। ये ले पहला पत्ता। ये ले किंग। किंग? ये ले क्वीन। कहाँ है तेरा ध्यान, हार गया? अरे यार मैं तुझे क्या बताऊं बिक्की, मेरा ध्यान ना कहीं और है, मुझे एक लड़की पसंद आ गई। कौन है वो लड़की बता, घर से उठा लाऊं उसे, तेरे घर लाके छोड़ दूं? अरे घर से क्यों उठाओगे, घर में ही है वो मेरे। घर में है क्या मतलब? अरे वो भैया की साली है यार। अरे तो तेरा मैटर वैसे ही क्लियर है। अरे क्लियर होता तो बात ही क्या, अभी भाव ही नहीं दे रही है। अबे चल छोड़, हो जाएगा सब, टेंशन मत ले। हो तो जाएगा। हाँ भाभी क्यों बुलाया? क्यों, क्या हरकत की है तुमने अलीशा के साथ? देखो भाभी हरकत मैंने कुछ नहीं करी है, मैं प्यार करता हूँ उससे और उससे शादी करा दो मेरी। तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुम जैसे जाहिल के साथ अपनी बहन की शादी कराऊंगी? जाहिल नहीं हूँ भाभी, मैं देवर हूँ, देवर तुम्हारा। देवर तो हो लेकिन एक नंबर के बदतमीज और बिगड़ैल। तुमने सोच कैसे लिया कि मैं अपनी बहन की शादी तुमसे कराऊंगी? तुम्हें छोटे बड़े का तो लिहाज नहीं है बिल्कुल भी। भाभी शादी तो मैं तुम्हारी बहन से ही करूंगा, अब तुम्हें रोक मिले तो रोक कर दिखाओ। अरे बड़े बदतमीज हो तुम, तुम्हारी शिकायत ना मैं तुम्हारे भाई से करूंगी। सैया से कहो ना, सैया से। शादी तो मैं तुम्हारी बहन से ही करूंगा। क्यों बुलाया था मुझे? आपको पता आपके भाई ने क्या हरकत की है? ऐसा क्या कर दिया मेरे भाई ने? आपके भाई ने ना मेरी बहन के साथ
समझा दो उसे मेरी बहन से शादी करने का ख्वाब ना देखे। तो कौन सा गुनाह कर दिया उसने? शादी के लिए तो कहा है उसने, कोई लेकर थोड़ी भगाया उसको। क्या शादी, वो भी आपके भाई से? कौन सा ऐप है जो उसके अंदर नहीं है? दुनिया के सारे ऐप तो आपके भाई के अंदर है, कौन देगा उसे अपनी बेटी? ए, आवाज नीचे, वो मेरा लाडला भाई है। जिस चीज पे उसने हाथ रख दिया ना, वो चीज मैंने उसे ला के दी है। और तेरी बहन, वो क्या चीज है? मेरे जीते जीते ये कभी नहीं हो सकता। सुन, तू रहे या ना रहे, तेरी बहन मेरे भाई की बीवी बनकर इस घर में जरूर आए। ठीक है, तो जा रही हूँ मैं अपने मायके। सुन, जा तो रही है, या तो तलाक की तैयारी करिए या शादी की तैयारी करिए, दोनों में से एक तैयारी करिए। क्या? खुशी से जा। पापा, वो लोग ये चाहते हैं कि अलीशा का रिश्ता मेरे देवर के साथ हो जाए। क्या, उस नशेड़ी से? और उन्होंने कहा है कि अगर तूने अपनी बहन की शादी नहीं कराई तो। पापा बताओ मैं क्या करूं? बेटा तू फिकर मत कर, चल अभी संधि से चल के बात करता हूँ मैं। संधि जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? जो सुन रहे हो सही सुन रहे हो, मेरे बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी कर दो। जैसी बड़ी बेटी तुम्हारी राज कर रही है, वैसी छोटी भी राज करेगी। तुम्हारा बड़ा बेटा तो बहुत अच्छा है, ये तो नशेड़ी है नशेड़ी। मैं तो क्या, ऐसे कोई भी अपनी बेटी नहीं देगा। अरे नशेड़ी है तो क्या हुआ, अमीर बाप की औलाद है वो, और 16 वर्ष अगर नशा कर लेता कौन सा गुनाह कर देता है वो। तुम क्या जानो गरीब लोग? मैं अपनी बेटी की शादी इस नशेड़ी के साथ नहीं कर सकता, मैं उसकी जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकता। ठीक है, अगर मेरे छोटे बेटे के साथ अपनी छोटी बेटी का निकाह नहीं कर सकते तो अपनी बड़ी बेटी को घर में बिठा लेना, और डिवोर्स के पेपर मैं तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। अलीशा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, कहीं ऐसा ना हो बात बिगड़ जाए, वो मुझे हकीकत में छोड़ दें। नहीं बाजी, ऐसा नहीं होगा, वो आपको कैसे छोड़ सकते हैं? अलीशा तू नहीं जानती है उन्हें, वो अपने भाई के खातिर सब कुछ कर सकते हैं। अरे बाजी कोई बात नहीं, तो मैं आपके खातिर उनके भाई से शादी कर लूंगी, आप टेंशन क्यों लेती हो? अगर बाजी ऐसा है तो मैं आपके देवर से शादी करने के लिए राजी हूँ, लेकिन मैं आपका घर बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती मेरी बहन। लेकिन अलीशा, मैं उस नशेड़ी से तेरी शादी कैसे करा सकती हूँ? बाजी मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ ना। अलीशा मैं इतनी सेल्फिश नहीं हूँ कि अपनी वजह से अपनी बहन को जहन्नुम में झोंक दूँ। अरे लगता है पापा आ गए, चलो। मेरा दिल बहुत घबरा रहा अलीशा। अरे बाजी कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा, चलो। क्या हुआ पापा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ? बेटा वो संधि जी ने मेरे बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी कर दो, जैसी बड़ी बेटी तुम्हारी राज कर रही है वैसी छोटी भी राज करेगी। क्या ऐसा बोला उन लोगों ने? बाजी अब क्या होगा? अलीशा तू फिक्र मत कर, पापा अलीशा आप लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इस बात का फैसला मैं खुद करूंगी कि वो मुझे डिवोर्स देंगे या मैं उन्हें। बाजी, बाजी! आइए आइए मैडम साहिबा, हमें पता था तुम जरूर आओगे, आ गई ना अपनी औकात पे। तो बताइए कब बनाया अपने भाई को दूल्हा? तुम औरतों को ना यही ड्रामा होता है, 4 दिन आंसू बहाओगी, फिर मायके जाके बैठ जाओगी, फिर बाद में आके हमारी जूती के नीचे आकर रहोगी। उफ, कितना घमंड है ना तुम्हें अपने ऊपर। तुम मर्दों को ना यही लगता है कि तुम्हारे बिना औरत का कोई वजूद ही नहीं है, और तुम मर्द ना ये सोचते हैं कि तुम्हारे बिना औरत रह ही नहीं सकती, और अगर रहे तो तुम्हारी पैर की जूती बनके। बेशक। तो मैं आज तुम्हारा यही भ्रम तोड़ने आई। क्या है ये? देख लीजिए, साइन कर दिए मैंने और आप ही कर देना। नबीला, ये क्या, डिवोर्स के पेपर? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्यों, तुम्हें को तो चाहिए था डिवोर्स। तुम क्या सोचते थे तुम मुझे डिवोर्स की धमकी दोगे तो मैं तुम्हारे शराबी भाई से अपनी बहन की शादी करा दूंगी? जो तुम्हें कहना था वो तुम कह चुके, अब मैंने साइन कर दी है इसमें, और तुम भी साइन कर देना और आराम से रहना अपने शराबी भाई के साथ, समझे? हाथ छोड़ो मेरा। तो मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ नबीला? नबीला तुम मुझे छोड़ के मत जाओ नबीला। अब सब कुछ खत्म हो चुका है, तुमने अपने शराबी भाई के चक्कर में अपना घर बर्बाद कर लिया। नबीला मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई।